नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त कई दिनों में खास माना जाता है और आज के ही दिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था। और आज के इस ऐतिहासिक दिन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और सीएम धामी ने कहा है कि आज के ही दिन पूरे देश में एक संविधान, एक निशान और प्रधान लागू हुआ था। इसका पूरा श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उनके नेतृत्व में देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको बता दें कि बना था। साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने राम भक्तों को भी शुभकामनाएं दी है और साथ ही कहा कि आज के ही दिन राम मंदिर की नींव रखी गई थी और जिसका राम भक्त लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ऐतिहासिक दिन है 5 अगस्त 2019 का दिन, क्योंकि आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को देश के अंदर एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान ये पूरी तरह से लागू हो पाया और इसका पूरा श्रेय हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, जिनके नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई और देश का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ, जिस अध्याय की लोग देश की आज़ादी के कालखंड से लेकर लगातार इसका इंतजार करते रहे। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। कांग्रेस के मौन व्रत पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष यह बताएं कि क्या हुआ इस मौन व्रत को गढ़वाल क्षेत्र के लोगों पर टिप्पणी करने को लेकर पश्चाताप के लिए कर रहे हैं या फिर उनकी पार्टी में जो प्रदेश महामंत्री और प्रवक्ता की लड़ाई है उसके तहत कर रहे हैं। और आगे कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड एक दुखद घटना थी और इस घटना के तुरंत 24 घंटे के अंदर ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। साथ ही कहा कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और लगता है कि कांग्रेस को न्यायालय पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण महाराज जी मौन उपवास रख रहे हैं, उन्हें पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ये मौन उपवास उनका, जो उन्होंने उत्तराखंडियत को और गढ़वाल के लोगों को गाली गलौज की उसके पश्चाताप के रूप में कर रहे हैं, या वो आपस में जो उनकी लड़ाई झगड़ा चल रहा है उनके प्रदेश महामंत्री और उनके प्रवक्ताओं की जो आपस में झगड़ा चल उसको लेकर के मौन उपवास कर रहे हैं, पहले इस बात को स्पष्ट कर। प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है और साथ ही आपको बता दें कि इस लेकर जिसके आंकड़े आरटीआई के जरिए सामने आए हैं और इस पर बीजेपी का कहना है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है पहले करण महरा वहां के हालात देखे। और इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी समेत मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का भी मानसिक संतुलन खराब हो गया है। और साथ ही अपनी बात एक बार फिर से दोहराते हुए उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के इस कथन की निंदा करता हूं और इस कथन पर थूकता हूं। मेरे को अपने प्रदेश की जिम्मेदारी है, मैं बीजेपी के इस कथन की निंदा करता हूं, थूक करता हूं इस बात पर। मैं फिर आज कहना थूक करता हूं, क्योंकि मानवीर चौहान का मेरे को लगता है और बीजेपी का पूरा मानसिक संतुलन खराब हो गया। हम अंकिता के न्याय की बात कर रहे हैं, हम चार उन SC ST की बेटियों की बात कर रहे हैं जिनका बलात्कार हुआ, पॉक्सो कांड की बात कर रहे हैं, 872 उन बेटियों की बात कर रहे हैं जिनका बलात्कार इस राज्य में हुआ है और आप दूसरे राज्यों से तुलना करके इस मामले को शांत करना चाहते हैं, हल्का करना चाहते हैं। क्या कहीं अपराध हुआ इसका मतलब है आप उत्तराखंड की बेटियों का बलात्कार करके उसका बदला उत्तराखंड में लेंगे, ये कहना चाह रहे मानवीर चौहान? शर्म आनी चाहिए। आपके पर्सनल चीजों पर भी अगर बोलने पर हम लोग आएंगे तो आपको जवान आपकी खुली बंद। खबर देहरादून से है जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने देहरादून के वहीं गांधी पार्क में एक दिवसीय मौन धरना दिया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा के
नेतृत्व में आयोजित इस धरने में बारिश के बावजूद भी बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे और प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बताया कि यह धरना अंकिता की आत्मा की शांति के लिए है और उसके बूढ़े माँ बाप के लिए है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार अंकिता हत्याकांड मामले में लापरवाही बरत रही है और सरकार आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। लगभग एक हफ्ते पहले ही पत्रकार वार्ता के माध्यम से इस बात को कह दिया था कि मैं मौन व्रत पर बैठूंगा और ये अंकिता के आत्मा की शांति के लिए है ये मौन धरना, उसके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए है ये मौन धरना, उसके बूढ़े माँ बाप के लिए है ये मौन धरना और उत्तराखंड की पहाड़ की हर बच्ची जो आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। हमने आंकड़े आपके पास रखे, आपके सामने रखे, कितने भयावह हैं वो आंकड़े जो महिला उत्पीड़न और अपराध के क्षेत्र में धामी सरकार की पूरी कहानी बयान करते हैं। वो बताते हैं कि पॉक्सो एक्ट में ज्यादातर केसेस हैं जिसमें नाबालिग नौनिहाल बच्चियों के साथ दुष्कर्म यहाँ उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। हरिद्वार में यूपीसीएल के अधिकारियों के खिलाफ धरना देने के बाद स्वराज्य सेवा दल का कार्यकर्ता पानी की टंकी पर चढ़ गया और ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के न्यू हरिद्वार कॉलोनी स्थित टंकी पर चढ़ने की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और इस दौरान स्वराज्य सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर काफी नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया है। और स्वराज्य सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी का कहना है कि यूपीसीएल में तमाम अनियमितताओं और जनता के शोषण को लेकर सुप्रीडेंट इंजीनियर के कार्यालय पर धरना दिया गया था, लेकिन पहले से ही सूचना देने के बावजूद भी सुप्रीडेंट इंजीनियर मौके पर मौजूद नहीं रहे। सुराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं को लगातार उकसा रहे हैं। अगर इसमें कोई भी घटना इस प्रकार की घटित होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जो बिजली विभाग के अधिकारी और यहाँ जो प्रशासन और सरकार की होगी, क्योंकि जो ये अधिकारी हैं बेलगाम हैं, सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं। ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करना चाहिए और जेल भेजना चाहिए। जनपद उधम सिंह नगर के एसएसपी द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बांस फोर्डन चौकी इंचार्ज सुनील सुतेड़ी ने नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया है और अभियान के तहत एएसआई आपको बता दें कि टीम के साथ गंगे बाबा रोड पर चेकिंग अभियान चलाया गया और जिसमें संदिग्ध अवस्था में घूम रहे एक व्यक्ति को शक होने के चलते धर दबोचा है और जामा तलाशी के दौरान आपको बता दें कि उसके पास से लगभग 16 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई और पूछताछ में उसने बताया है कि वह उत्तर प्रदेश के बरेली से सस्ते दामों में स्मैक लेकर काशीपुर ऊंचे दामों में बेचकर मुनाफा कमाता है। और आज घटना का खुलासा करते हुए एसपी अभय प्रताप सिंह ने बताया है कि आरोपी जुनैद उर्फ बबलू ठोड़ी के ऊपर एनडीआरएफ आपको बता दें कि कई मामले दर्ज हैं इस पर। काशीपुर में घनी आबादी के बीच तेंदुए के शावक का शव एक ट्रांसफार्मर के पास मिलने से हड़कंप मच गया है। तेंदुए के शावक की मौत की खबर से मौके पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के शावक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रामनगर ले गई और बताते चले कि काशीपुर के जसपुर खुर्द के क्षेत्र में होली डे आनंद के ठीक पीछे लगे ट्रांसफार्मर के नीचे तेंदुए के शावक का शव पड़ा मिला और वहीं तेंदुए के शावक के खाल के बाल ट्रांसफार्मर के ऊपर चिपके मिले और जिससे आशंका जताई जा रही है कि तेंदुआ का शावक उछल कूद करते हुए ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया होगा और उसे करंट लग गया होगा जिससे उसकी मौत हो गई है। सूचना मिलते ही आसपास के लोग उमड़ पड़े। देखिए, तीन जगह पिंजरे लगे हुए हैं काशीपुर में, हमारे काशीपुर क्षेत्र में, और जिसके बराबर हमारे द्वारा निगरानी सर्चिंग की जा रही थी स्टाफ को लेके, और रात भी हम लोग रात भर गोसाई टीले की तरफ रहे हैं। उस साइड में कहीं पर भी इसकी आवाज नहीं देखी गई है गुलदार की। जसपुर खुर्द कॉलोनी में एक गुलदार की मृत्यु हो गई है। प्रथम दृष्टया यहाँ पर देखने पर यह लगा है कि यहाँ पर हाई टेंशन विद्युत लाइन का ट्रांसफार्मर है और जिस पर हो सकता है उछल कूद करी हो इसने और टकराने से इसकी मृत्यु हो गई।
नगर क्षेत्र में ताबड़तोड़ तरीके से हो रही दोपहिया वाहन चोरियों को गंभीरता से लेते हुए उधम सिंह नगर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी के आदेश पर वाहन चोरियों को लेकर एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें कटोरा ताल चौक के प्रभारी नवीन वधानी के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया है और चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिस पर पता चला है कि मानपुर रोड पर मानव बिहार के पास दो लोग संदिग्ध अवस्था में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में घूम रहे थे और जिसको पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए धर दबोचा है और फिलहाल पुलिस ने आरोपियों का चालान कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। इस क्रम में हमें जो संगठित अपराध होता है उसको अनावरण करना बहुत इम्पोर्टेंट टास्क होता है। आज संगठित अपराध के विरुद्ध जो मतलब नकेल कसने में आज काशीपुर पुलिस द्वारा एक महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है, उनकी बहुत अच्छी गुड वर्क हुई है। काशीपुर पुलिस की संपूर्ण टीम द्वारा, विशेष रूप से इंस्पेक्टर हमारा SSI और सभी अधिकारीगण द्वारा बहुत अच्छी एक वर्कआउट किया गया है। कुल मिलाकर अंतर राज्यीय बाइक चोरी का गैंग का खुलासा हुआ है। लालकुआ के हल्द चौड़ क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे आशीर्वाद अस्पताल के विरोध में उतरे व्यापार मंडल और हिंदूवादी संगठन के लोग। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं के भारी विरोध के बीच मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर, आपको बता दें कि अवैध रूप से चलाए जा रहे अस्पताल को संचालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है और साथ ही आपको बता दें कि अस्पताल को सील कर दिया गया है और संचालकों को प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। और बताते चले कि जानकारी हल्दू चौड़ गोला रोड स्थित मेन बाजार में विगत कई दिनों से अवैध रूप से अस्पताल संचालित किए जाने की सूचना पर व्यापार मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में व्यापारियों और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल पहुंचकर जब संचालकों से जानकारी लेनी चाहिए तो संचालक इधर उधर देखने लगे और जिसके बाद व्यापारियों ने मामले की सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल एवं हल्द चौकी पुलिस को दी। ये इस हॉस्पिटल का नाम आशीर्वाद हॉस्पिटल है, अभी ये ओपन भी नहीं हुआ है, डॉक्टर साहब कल आ रहे हैं। 1.5 लाख की हम किससे किस चीज पे मांग कर लेंगे, आप कोई भी इस चीज को समझदार होगा समझेगा, किस चीज पे 1.5 लाख की मांग करेंगे? किसी जबरदस्ती छीन भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं, ना ही कोई OPD हुई है, ना ही OT चली है, कुछ भी नहीं हुआ है। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा इसमें एक भी मरीज देखा नहीं जा रहा है और ना ही देखा जाएगा। डॉक्टर इसके कल आ रहे हैं। कुछ हमारे व्यापारी साथियों का फोन आया जिसके बताया गया कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स से एक हमारे पांडे जी हैं, उनके द्वारा कॉम्प्लेक्स बेसमेंट में एक हॉस्पिटल खुला हुआ है और जिसमें हमारे कई व्यापारी बंधु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और तो यहाँ पर आके हम लोगों ने जब देखा तो यहाँ पर ना कोई इनका रजिस्ट्रेशन है, ना इनका CMO द्वारा कोई परमिशन है, ना हॉस्पिटल के कोई डॉक्यूमेंट हैं और यहाँ पर सारी दवाइयाँ पाई गई हैं, ग्लूकोज हैं जिनका ट्रीटमेंट यहाँ पर, कई लोगों का यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है कई दिनों से और इनके पास डॉक्यूमेंट के नाम पर कोई चीज़ नहीं मिली है यहाँ पर। हाँ, OPD ये भी हमने, अब जब यहाँ पर हम लोग आए हैं तो यहाँ पर दो एक लोग पेशेंट भी पाए गए हैं यहाँ पर OPD भी चल रही है, पर उसमें डॉक्टर जो बैठे हैं उनके पास कोई डिग्री नहीं है और ना हॉस्पिटल के कोई डॉक्यूमेंट है उनके पास। तो हमने अपने नज़दीकी चौकी में अपना इसकी सूचना की है, जिसके चौकी द्वारा यहाँ पर हमारे इंचार्ज साहब द्वारा यहाँ पर मुआयने के चौकी से लोग भेजे हुए हैं। देखिए अब आगे क्या कार्रवाई होती है। मैं हॉस्पिटल का मैनेजमेंट टाइप से देखता हूँ, अशोक कुमार इसके मालिक हैं। हॉस्पिटल बन रहा है अभी, अनकम्प्लीट है, चल ही रहा है इसमें। डॉक्टर कल आ जाएंगे, CMO ऑफिस चले जाएंगे रजिस्टर लेके। अभी मैं यहाँ रहना थोड़ी हो गया सर, कभी सामान लेकर आ गया, कभी कुछ आ गया, 57 तो वगैरह तो हो नहीं सकता कुछ भी। नहीं, कोई OPD नहीं हुई है, कोई कहते कोई OPD हुई हो तो जरूरत पड़ी थी परसों दवाई की, तो मैं खुद मेडिकल चलाया था सामने। जैसी कल हमें सूचना मिली थी इस बारे में कि इस तरीके से यहाँ पर एक बाहरी व्यक्ति जो रामपुर से है, बिना सत्यापन के है और किसी अन्य समुदाय का है, मेन चीज़ हम तो संगठन के नज़रिए से उसको देखते हैं, हिंदू संगठन, तो यहाँ पर अभी जाँच करी पता चला कि मौके पर 2 लड़कियाँ यहाँ पर पाई गई और इनके पास ना कोई सत्यापन, ना रजिस्ट्रेशन और कुछ भी कागज यहाँ पर मिले नहीं है और इनके जो पर्चियाँ छपी हैं उसमें कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, डॉक्टर का नाम भी नहीं है। तो अभी हल्दूचौड़ चौकी में इसकी सूचना देके वहाँ से बुला लिया गया चौकी से।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बांसफोड़न चौकी इंचार्ज ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया है और इस दौरान पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में घूम रहे एक व्यक्ति को शक के आधार पर धर दबोचा है। वहीं तलाशी लेने पर पुलिस ने आरोपी के पास से वही लगभग आपको बता दें कि 16 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है और पूछताछ में उसने बताया है कि वह उत्तर प्रदेश के बरेली से रास्ते वही आपको बता दें कि सस्ते दामों में स्मैक लेकर काशीपुर में ऊंचे दामों में बेचकर मुनाफा कमाता है। और घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी ने बताया है कि आरोपी के ऊपर एनडीपीसी और गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज है। इसी क्रम में हमारे थाना काशीपुर में शूटर लाल की डकैती में टीम हमारी जो चौकी इंचार्ज सुनील सिकेड़ी पास को सफलता मिली है। यह एक जुलेन नाम का व्यक्ति है, इसको गोली गोली नाम से प्रचलित हुआ है और ये हैबिचुअल टाइप का क्रिमिनल है। इसने पहले भी चार बार NDPS के मामले में जेल जा चुका है, इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई भी हो चुकी है और बहुत ही मुझे इसकी शिकायत मिल रही है कि इसके द्वारा लगातार फिर जो NDPS जो मादक पदार्थ है वो लगातार तस्करी और बेचने के लिए लगा हुआ था। इसमें कल हमारी टीम को शाम को सफलता मिली है, इसमें इसके पास लगभग 15.5 ग्राम के करीब स्मैक मिली है। खबर हल्द्वानी से है जहां शहर में पेयजल समस्या को देखते हुए डीएम नैनीताल ने वही शीश महल स्थित फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया है। साथ ही बता दें कि इस दौरान उन्होंने पेयजल अधिकारियों से शहर में रोजाना हो रही पेयजल आपूर्ति गुणवत्ता और साथ ही आपको बता दें कि कितनी पेयजल की जरूरत आने वाले समय में पड़ सकती है, इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। और डीएम नैनीताल ने बताया है कि वर्तमान समय में हल्द्वानी शहर को लगभग 80 MLD पानी की रोजाना आवश्यकता है और जिसको लेकर अलग अलग स्रोतों से पूरा किया जा रहा है। और साथ ही कहा कि आने वाले समय में पेयजल किल्लत होना लाजमी है और जिसे देखते हुए अन्य विकल्पों और ठोस योजनाओं पर काम करना जरूरी है। इसके लिए अधिकारियों से चर्चा कर तमाम सुझाव सामने आए हैं और लंबित योजना को भी जल्द आपको बता दें कि इसको शुरुआत करने की बात की है। काशीपुर में घनी आबादी के बीच तेंदुए के बच्चे का शव एक ट्रांसफार्मर के पास मिलने से हड़कंप मच गया है और इसकी मौत हो गई है। सूचना मिलने के साथ ही मौके पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के शावक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रामनगर ले गई है। और बताते चले कि काशीपुर के जसपुर खुर्द के क्षेत्र में होलीडे आनंद के ठीक पीछे लगे ट्रांसफार्मर के नीचे नन्हे तेंदुए का शव पड़ा मिला और बताया जा रहा है कि उछल कूद के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है। देखिए तीन जगह पिंजरे लगे हुए हैं काशीपुर में, हमारे काशीपुर क्षेत्र में, और जिसके बराबर हमारे द्वारा निगरानी सर्चिंग की जा रही थी स्टाफ को लेके, और रात भी हम लोग रात भर गोसाई टीले की तरफ रहे हैं। उस साइड में कहीं पर भी इसकी आवाज नहीं देखी गई है गुलदार की। जसपुर खुर्द कॉलोनी में एक गुलदार की मृत्यु हो गई है। प्रथम दृष्टया यहाँ पर देखने पर यह लगा है कि यहाँ पर हाई टेंशन विद्युत लाइन का ट्रांसफार्मर है और जिसपे हो सकता है उछल कूद करी हो इसने और टकराने से इसकी मृत्यु हो गई। उत्तराखंड में मौसम लगातार करवटें बदल रहा है और 5 और 6 अगस्त के अगर हम बात करें तो यहां उत्तराखंड के 5 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा परिचालन केंद्र में पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षाएं भी कर रहे हैं। उत्तराखंड के संवेदनशील इलाकों की बात करें तो वहां पर भी एहतियात बरतने के निर्देश मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन के सचिव को जारी किए हैं और जरूरी दवाएं और सामान्य प्रभावितों के बीच समय से पहुंचाने का भी निर्देश दिए हैं। उनकी बात करें तो पिछले काफी दिनों से जो है लगातार बारिश हो रही है
5 जिलों के लिए जो है उत्तराखंड में अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम परिचालन केंद्र ने यह अलर्ट जारी किया है। चंपावत, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून के लिए यह अलर्ट भी जारी किया गया है। लगातार आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं बारिश हो रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो लगातार आपदा परिचालन केंद्र में पहुंचकर समीक्षाएं भी कर रही हैं। उन्होंने जो है बैठक में जो है अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं ताकि जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर जाकर जो अधिकारी हैं वो लोगों के बीच पहुंचे ताकि जो प्रभावित हैं उनको जल्द से जल्द मदद मिल सके। उन्होंने जरूरी दवाएं एवं सामान जो है वो भी वहां पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं और लगातार समीक्षाएं कर रहे हैं क्योंकि कहीं भी अगर कोई ऐसी जनहानि की खबर उत्तराखंड से आती है तो सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है उसका संज्ञान लेते हैं और अधिकारियों को उसी बाबत वह निर्देश भी जारी करते हैं। पिछले अगर कुछ दिनों की बात करें तो उत्तराखंड में लगातार जो है बारिश अपने चरम पर है। वहीं जो लोग हैं उनको एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। नदी नालों से लोगों को जो है दूर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी कड़ी में जो है अधिकारी भी लगातार जो है लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गौरव पंत के साथ अभिनव नायक, हर खबर, देहरादून। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।